हेलो, चलो अपना कंटिन्यू करते हैं ना। आज चक्रा चल रहा है? नहीं चल रहा, सब कुछ चल रहा है। थे क्वेश्चन आंसर तक तो हो गया था, उसके नीचे पढ़ते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप इन गैसेस। टेम्परेचर का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप समझ लो, किसी का टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। तो इसको पढ़े बगैर मैं आपसे पूछता हूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या है? पता है तो चाहे तो नहीं पता था मैं बता दे रहा। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। चलो देख लेते हैं। दिस रिलेशनशिप इज सीन इजीली व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज लेफ्ट इन ब्राइट सन एंड इट बर्स्ट। दिस इज बिकॉज द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपेंड। अभी द राइजिंग टेम्परेचर, इसको भी छोड़ो, क्या लिखा हुआ है इन जनरल? हाँ ये आया चीज है, इन जनरल एन इन्फ्लेशन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉजेज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी सर टेम्प तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर टेम्प घटेगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। इन 1787 जैकुइस चार्ल्स टेम्परेचर स्टडीड द टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ गैसेस। 1787 जैकुइस चार्ल्स ने रिलेशनशिप निकाली थी, बेसिकली उन्होंने स्टडी की थी, किया था उसके ऊपर। हिज वर्क वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय जोसेफ गिल लोसैक लोसैक। बाद में सर उन्होंने जो रिसर्च की उसी रिसर्च को आगे कंटिन्यू किसने किया? जोसेफ गे लोसैक इन 1802 में। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे तभी क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली यानी वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे तभी क्या हुआ। इट वॉज फाउंड दैट अ फिक्स मास ऑफ एनी गैस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिवली बाय 1/73 ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस और ईच डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। वो क्या कह रहा है, उन्होंने नोटिस किया किसी भी मतलब गैस का जो मास होगा वो पता कैसे घटेगा या बढ़ेगा। तो कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट द फिक्स मास ऑफ एनी गैस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिवली बाय दिस। वो कह रहा है 1 डिग्री भी बढ़ा या 1 डिग्री भी घटा, 1 डिग्री आप बढ़े 1 डिग्री घटे, तो इतना मास उसका चेंज रहेगा, इतना मास उस गैस का चेंज रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इतना मास बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा तो इतना मास कम हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड द प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट, बशर्ते प्रेशर जो आपका है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर प्रेशर आपको कांस्टेंट नहीं रहा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट रहना चाहिए, को कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास बाय गैस एंड मास ऑफ ड्राई गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 100 डिग्री, ईच 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? हो रही है। वो सिंपल सा ये कह रहे हैं, ऊपर वाली बात को यहाँ पर समराइज कर रहे हैं कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो वॉल्यूम जो है ना वॉल्यूम होगा इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा इस रेशियो में, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा इस रेशियो में। ठीक है, कब कब? जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया जाए। तो जैसे कि हमने क्या कहा, लेट बी ओ द बी द वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ अ गैस यानी सर ओरिजिनल मास को तो हम वीओ मान लो, पहले फिक्स्ड मास को जो वॉल्यूम था उसको तो मान लो वीओ। ठीक है, मान लिया वीओ। ओके, लेट बी इट्स वॉल्यूम,
अब वॉल्यूम इसका क्या होने दो, बी। ठीक है, अब जैसे ही क्या कह रहे हैं है ना, वो भी इन्वर्टेड टेम्परेचर मतलब क्या, इन्वर्टेड टेम्परेचर मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स फ्लो, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स फ्लो क्या होता है, जादू जादू। तो सर नया वॉल्यूम निकलना है ना, नया वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो आप कुछ फॉर्मूला लगा, इनको छोड़ो, इनका फॉर्मूला छोड़ो, ये न्यू न्यू वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू वॉल्यूम कैसे, सर जो पुराना वॉल्यूम है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्लस 1/273 प्लस 1/273 ऑफ ओल्ड वॉल्यूम, ऑफ ओल्ड वॉल्यूम, ये बढ़ेगा बढ़ेगा ये बढ़ेगा सर, कब बढ़ेगा, हर एक डिग्री टेम्पर, हर एक डिग्री टेम्परेचर पर, हर एक डिग्री सेल्सियस पर, हर एक डिग्री सेल्सियस पर। तो सर अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा टेम्परेचर तो सर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 3 डिग्री आ जाएगा। तो सर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल सा टेम्परेचर फॉर्मूला बन गया मेरा सर, ये चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, बस उन्होंने क्या कर दिया है, ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन 273 कर दिया, बस ये उन्होंने यहाँ पे होशियारी की है और कुछ नहीं, और इन टू टी है ही है। ठीक है, फॉर्मूला वैसे मैच कर लो इससे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख लूँ, चाहे पहले यहाँ पे लिख लूँ ताकि मालूम पड़े कि दूसरा वाला बाद में कब आया है, पहला आप ये वाला स्टेप लिख लो है ना, वीडियो पॉज करके। अभी क्या कर रहे हैं, अभी और कुछ और फॉर्मूले बनाना चाह रहे हैं सर, अभी ये क्या करें, इसको सॉल्व करें थोड़ा सर। सर वीडियो को कॉमन ले रहे हैं, ऑरिजिनल वॉल्यूम को लिए कॉमन, तो सर ऑरिजिनल कॉल्यूम को वॉल्यूम को कॉमन लेकर ऑरिजिनल वॉल्यूम बाहर आ गया, अंदर रह गया, अंदर ही बंद रह गया, 1 × 3 रह गया, वैसे तो 30 इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो 1273 आ गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि वी को हम शॉर्ट में ही बोल सकते हैं टू, अब ये 273 का यहाँ पे एलसीएम देकर सॉल्व किया, तो उन्होंने कहा कि वॉल्यूम का हम ये फॉर्मूला भी हो सकता है, इन्होंने सॉल्व करके तो शॉर्ट फॉर्म में ले आए बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको और ओपन करो जरा, इसको और ओपन करो, और ओपन मतलब क्या, और ओपन मत करवाओ है ना, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा लेट सपोज 273 प्लस टी को टी से डिनोट कर दिया, इस वाले एरिया को सिंपल टी नाम दे दिया, ये सर क्यों नाम दे रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं, प्रूफ करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। इन्होंने इसको टी मान दिया, इन्होंने कहा इस 273 प्लस स्मॉल टी को हम कैपिटल टी बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल टी बोल लो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो सर ये वी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ऊपर आ जाएगा यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और सर इसको टी था तो इसको मल्टीप्लाई में टी अलग से लिख दिया। ठीक है, तो वी को उन्होंने एक नया फॉर्मूला बना दिया कि अगर टी इज इक्वल टू 273 प्लस टी है, अगर 12 टी हम ये मान लें 273 प्लस टी, तो सर एक वी का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर सर क्या कह रहे हैं, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अगर आपको टाइप से कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो वहाँ पे जो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ऑरिजिनल वी अपॉन 273। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसको के मतलब तो जाना हो के तो रिलेशनशिप निकालते हैं ना, तो प्रपोर्शन निकालते हैं, तो के मतलब प्रपोर्शन से है, तो कह रहा है वी जो है वो टाइम का प्रपोर्शनेट है, वी जो है टाइम का क्या है, प्रपोर्शनेट है, जहाँ पे के क्या रहेगा हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, के हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो सर हम इसे भी कह सकते हैं कि वी अपॉन टी इज इक्वल टू के, वी अपॉन टी इज इक्वल टू के, इसी वाले फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये सर
ये फॉर्मूला कैसा है, इस कांस्टेंट को के नाम दे दो जरा। अब वी ओ का फॉर्मूला निकालो। इसको के मान लिया ना। अब देखो ये वाला फॉर्मूला ना, ये वाला फॉर्मूला नीचे लिख रहे हैं ये, बस ना इस चीज को के लिख दिया। ओरिजिन वॉल्यूम अपॉन 273 को के लिख के इंटू 2 था तो इंटू टी भी आ गया। अब बाद में सॉल्व करना सारे ही के इक्वल टू ही होता है। सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत क्वेश्चन में पड़ेगी, इतना सारा उन्होंने घुमाया। चार्ज फ्लो में भी रीस्टेटेड एज वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्रैग गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। वो कह रहे हैं चार्ज फ्लो को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्रैग गैस, किसी भी सूखी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली मतलब क्या, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। अब तो ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर के तो एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन होता है, यानी एक केल्विन बढ़ा एक केल्विन वॉल्यूम बढ़, तो एक वॉल्यूम बढ़ जाएगा एक यूनिट, दो केल्विन बढ़ा तो दो यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन सबको कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रहना चाहिए। हमें आपको बता दें क्या कर दिया, मैं क्या कर दिया, पहले तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे तो 1 डिग्री अगर बढ़, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो टेम्परेचर 1/273 से चेंज होगा, 1/273 थ्री से चेंज होगा। लेकिन वो कह रहे हैं अगर टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन से चेंज होता है तो टेम्परेचर 1 से चेंज होगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि सपोज को 1/273 था ही, 1 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, ध्यान है कुछ आपको नहीं है। सर कितने, 273, तो मिली को डिग्री सेल्सियस केल्विन में कहाँ गए, कहाँ गए। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 273 से, ये से कैंसिल हो गया, बचा क्या, बन बचा केवल, इसलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रोपोर्शनल, एब्सोल्यूट, ठीक है, समझ आ गया। तो सर अगर टेम्परेचर हमारा केल्विन में दिया हुआ तो अगर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, अगर 273 वाले को जिक्र। तो सर अब फॉर्मूला क्या होगा, अब फॉर्मूला देख लो। तो मैंने कहा देख, पहले तो मैंने कहा देखता हूँ उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको समझा दूंगा, बहुत गंदा लिखा है उन्होंने। टी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम टू सेंटीमीटर एट टी टेम्परेचर टू देन वाई सेल्स। वो कह रहा है कि सपोज करो इतने टेम्परेचर पर ये वॉल्यूम होता है, इस टेम्परेचर पर ये वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो चार्ल्स फ्लो क्या कहेगा, तो कह रहे थोड़े इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए उन्होंने क्या लगा था, सीधा इक्वल टू का सिंबल लगा दिया, ठीक है, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। जैसे के की वैल्यू उन्होंने कैसे निकाली, अकेले कोई तो टी को इधर भेज दिया, ये भी एक दूसरे के बराबर है, तो बी टू अपॉन टी टू भी हो गया, ये भी के बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 हो जाएगा। तो वो कह रहा है एक नया रिलेशनशिप निकाल डाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द चार्ल्स इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ इक्वेशन, चार्ल्स लॉ इक्वेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन है यहाँ नहीं है ना।
अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इफ द टेम्परेचर इज डबल, अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, अगर टेम्परेचर आधा हो गया तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली एब्सोल्यूट प्रोपोर्शनल है। सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को सर ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे, चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे, लॉ मतलब उनका जो प्रिंसिपल, उनका जो फॉर्मूला है उसको ग्राफ के बेस पर दिखाना है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस कैन बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ एट दिस पॉइंट। उनके रिलेशन को, 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 उनके रिलेशनशिप को इस चार्ट पर प्लॉट करोगे तो आपको जो दिखाई देगा ना चार्ट में ग्राफ पर लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन होगी, वो और कोई लाइन होगी, किस लाइन होगी, लाइन होगी। द जनरल टर्म आइसोबार, ऐसे ग्राफ को जनरली, ऐसे ग्राफ को जनरली, ऐसे ग्राफ को जनरली हम आइसोग्राफ कहते हैं, क्योंकि आइसोबार का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो लाइन ड्रॉ की गई है वो सेम प्रेशर पर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर ड्रॉ की गई है, इसलिए ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। ग्राफ स्विंग वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप में क्या है ना, और तो यहाँ पर और तो कुछ अभी है नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन यानी काइनेटिक थ्योरी। चार्ल्स लॉ को आप, चार्ल्स लॉ को आपने समझा तो देगा मैथमेटिकली, काइनेटिक थ्योरी पे क्या फर्क पड़ता है वो तो आपने समझाया था, समझाया था, समझाया था वॉल्यूम से ज़्यादा उसका बहुत समझा दो, काइनेटिक थ्योरी से क्या मतलब है उसका। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओहो, वो कह रहे हैं काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना एवरेज, वो सीधा प्रोपोर्शनल होती है इसके टेम्परेचर के, वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। दस वेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, जैसे गैस भर गैस वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है मॉलिकुल्स हम होते हैं फास्ट मूव फास्ट करने लगते हैं, मूव फास्ट करने लगते हैं फिर उनकी भी क्या एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी भर जाती है। एंड विल स्टैक द बॉल्स ऑफ द कंटेनर मोर सडनली, और वो अपने कंटेनर के अंदर अंदर वहाँ पर बार बार टकराएंगे, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड विगोरसली, विगोरसली मतलब बहुत स्ट्रिक्टली, इफ द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली, हेंस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसीलिए एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम है ना गिवन मास का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके टेम्परेचर के, यही चार्ल्स लॉ कहता है इसके रिगार्डिंग भी। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है वो सीधा सा उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहता है, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटेगा, हेंस डेंसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसीलिए अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी गिर जाएगी, डेंसिटी या वॉल्यूम में नहीं है तो डेंसिटी का तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। दिस इज द रीजन व्हाई हॉट एयर इज फिल्ड इनटू, डेंसिटी का मतलब पता है ना, पता होने से ही मैंने स्टार्टिंग समझा था, यही रीजन है क्योंकि हॉट एयर को जब फिल किया जाता है बेलून्स में एंड यूज फॉर मीटरोलॉजिकल पर्पजेस, बाद में मीटरोलॉजिकल पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, छोड़ो उसको तो। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, ओहो वो कह रहे हैं किस केस में, तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव 273 वाले डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जीरो आएगा। ये क्वेश्चन था हमारा स्टार्टिंग में जो बना था, अब इस टी को -273 रख दो, -273 रखो तो सब -273 रखोगे तो ये जीरो जीरो जाएगा, 0 का 273 से देखो तो फिर जीरो जाएगा, फिर जीरो का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो इस केस में जीरो हो सकता है, यानी कब एब्सोल्यूट जीरो आएगा हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा तब जीरो होगा, वॉल्यूम तब जीरो होगा जब टेम्परेचर हमारा बहुत नीचे चला जाए, बहुत नीचे चला जाए, बहुत नीचे चला जाए। However, it's well, है ना? However, this is not possible, हाँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज गैसेज वन ऑफ द स्टेट्स मैटर एंड हेंस मस्ट हैव सम डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम,
क्योंकि एक तरह का मैटर के फॉर्म है ये, तो इसका एक तो डेफिनेट मास और वॉल्यूम तो देगा ही देगा, डेफिनेट तो देगा देगा, उस डेफिनेट से नीचे नहीं जा पाएगा, उस डेफिनेट से तो नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये लाइन याद रखनी है आपको, द टेम्परेचर टू 73 इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को लेकिन हम एब्सोल्यूट जीरो बोल देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। ऑल गैसेज लिक्विफाई और सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर, वो कह रहे हैं जितने भी गैसेज इस टेम्परेचर पर आती हैं तो आने से पहले या तो लिक्विफाई हो चुकी होंगी या फिर सॉलिडिफाई हो चुकी होंगी, ठीक है। थ्योरेटिकली दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन एवर बी रीच्ड, ये सबसे नीचे टेम्परेचर, सबसे लो, सबसे लास्ट वाला टेम्परेचर जिसको हम कभी अचीव कर सकते हैं। एट दिस टेम्परेचर मोशन मॉलिकुलर मोशन सीज, हाउएवर प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस टेम्परेचर इज इम्पॉसिबल टू अटेन, प्रैक्टिकली तो ये टेम्परेचर क्या है, इम्पॉसिबल अटेन करना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्या चाहिए सारे एब्सोल्यूट स्केल जरा देखते हैं क्या है। द टेम्परेचर स्केल विद इट्स जीरो, विद इट्स जीरो वगैरह, ऐसा स्केल, ऐसा टेम्परेचर स्केल द टेम्परेचर स्केल विद इट्स जीरो इसको हटा देना, इग्नोर कर देना इसको, है ना। वो कह रहा है टेम्परेचर स्केल विद इट्स जीरो, तो टेम्परेचर स्केल जीरो कब होगा, जब वो 273 डिग्री सेल्सियस पर होगा, उसका वॉल्यूम जीरो कब होगा कैसे टेम्परेचर स्केल का, जब वो 273 पर होगा, ठीक है। एंड एंड हुज ईच डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑन दिस सेल्सियस स्केल, और जिसका स्केल, जिसका डिग्री जो है, डिग्री हम कैसे मेजर कर रहे हैं, जिसकी डिग्री हम कैसे मेजर कर रहे हैं सेल्सियस स्केल में, किस में मेजर कर रहे हैं सेल्सियस में, तो है ये सेल्सियस वाला, लेकिन हम इसको कैसे क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये थोड़ा सा अजीब अजीबपूर्ण चीज है, सेल्सियस में मेजर करते हैं बोल केल्विन में है, अभी थोड़ा अजीब है ये तो, मेरे को भी अजीब लगता है। बस एक रीजनिंग अगर मैं आपको दूँ तो यहाँ पे बस तो केल्विन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि 1 केल्विन इज इक्वल टू 273 होता है, यहाँ पे 273 को यूज किया जा रहा है। बस कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल एंड वाइस वर्सा, वो कह रहा है सर सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस कैसे करते हैं। द वैल्यू ऑन सेल्सियस स्केल कैन बी कन्वर्टेड टू केल्विन स्केल बाय एडिंग 272 वेट, वो कह रहा है द वैल्यू ऑन सेल्सियस स्केल कैन बी, अगर सेल्सियस में, सेल्सियस में किस में बात करूँ, सेल्सियस में, अगर सेल्सियस में 273 ऐड कर दूँ तो केल्विन आ जाएगा। अच्छा सर, ऐड करने से केल्विन आता है तो सेल्सियस कैसे आएगा, लेस करने से, सिंपल सा सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर सपोज करो इतना वॉल्यूम था, आपको सर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तब इसमें 273 ऐड कर दूँ तो सर 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना केल्विन होगा आपके पास, इतना केल्विन वॉल्यूम होगा भैया, ठीक है। 20 डिग्री पर तो 0 की 20 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, -273 आ जाएगा, 73 आ जाएगा। केल्विन स्केल वैल्यूज कैन बी कन्वर्टेड टू डिग्री, ये तो बाय सब्सट्रैक्टिंग हो जाएगा, इसको एडजस्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। पता है ना फ्रीजिंग पॉइंट है ये, बुजुर्ग साथ 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 रियल एडवांटेज ऑफ केल्विन स्केल इज
that it makes application and use of gas laws simple even more significantly all values on Kelvin scales are positive. सर ये सिंपल से बोला कि आप केल्विन स्केल में इसलिए कन्वर्ट करते हैं तो उसको बेनिफिट मिल जाता है. अगर हम सेल्सियस में निकालें तो 1/273 करना पड़ता है, डिवाइड बाई 273 करने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है. अब प्लस वन करना ये आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो थोड़ा ईजी रहता है एप्लीकेशन इसका. एग्जाम्पल दे रहा है, 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज टेकन एट 273.3 केल्विन. ना ये वॉल्यूम है, ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है. तो टेम्परेचर रिजाइन दे, ओ टेम्परेचर बढ़ाया गया यानी फिर टेम्परेचर वन हो जाएगा, बाद में टेम्परेचर टू हो जाएगा, बाद में उसको डिग्री में कर दिया इसको डिग्री में, पहले केल्विन में था तो यानी सर इनको पहले केल्विन में सेम यूनिट करनी पड़ेगी, वो आपके चाहे किसी में भी कर लो, है ना. और इधर न्यू वॉल्यूम हो, ये बी वन एफ है और ये बी टू पूछा है. द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, ओके ध्यान है वाला फॉर्मूला, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू. अगर याद है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, 2 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था टी टू उसको चेंज कर लिया है केल्विन में, तो जीरो था, जीरो में अगर 273 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में चेंज हो जाएगा बस. फिर क्या है फॉर्मूला लगा देना है, ईजी है. सिक्स वाला मैं पढ़ता हूँ, ये वाला मैं होमवर्क में दूंगा, अगर कुछ सिक्स सेवन पढ़ एट सिक्स सीधे आ गए. एट वॉट प्रेशर विल 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस मेजर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाई हाफ इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. वो कह रहा है किस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है ना 573, एट वॉट टेम्परेचर विल 500 सेंटीमीटर ऑफ अ गैस मेजर्ड हाफ इट्स वॉल्यूम. अच्छा ये इसका वी वन बोल देंगे क्योंकि फिर पूछा जाए तो टी वन हो जाएगा हमारा. हटे 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 इसको हम टी वन बोल सकते हैं, इसको हम वी वन बोल सकते हैं, ठीक है. इसको हम टी टू बोल सकते हैं, ये हाफ इट्स वॉल्यूम है ना, यानी इसको हम वी वन बोल सकते हैं. अरे सॉरी ये वी वन है, वी टू के वी वन, ये हम वी टू बोल देंगे. वी टू कितने होगा 250, हाफ है ना, हाफ मतलब 250. फिर क्या फॉर्मूला लगा दो तो ये सिंपल वाला तो आपको हो जाएगा ये, ठीक है, ये कर लेना सॉल्व इजीली हो जाएगा. और सबको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टी वन टी टू है, कौन सा बी वन बी टू है. एग्जाम्पल द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 15 डिग्री सेल्सियस दिस, ठीक है, इस टेम्परेचर पर इतना वॉल्यूम है, ठीक है, टू व्हाट टेम्परेचर टी पूछा गया है, तो इजीली हो जाएगा, तो इजीली हो जाएगा. आप तो इनका तरीका लगानी है, आप तो अपना सिंपल वाला तरीका लगाना, 273 वाला है ना, वो डिवाइडेड वाला, ये भी हो जाएगा इजीली. ट्राई करना, नहीं आया तो मेरे को मैसेज कर देता लोग, है ना. मैंने जैसे आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया, आगे तो कुछ पता नहीं आया ना, तो मेरे को एग्जांपल वो मैसेज डाल देना कि सर सेम से एग्जांपल नहीं आया है. एट अ व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, टाइम पूछा है यहाँ पर, यानी कि अब सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू है ट्रिपल इट सेल्फ. ये वॉल्यूम दिया हुआ है 3x मान लो इसको, पुराने वाले टेम्परेचर पर, इस वाले टेम्परेचर पर जो भी मान लेना उसको x मान लेना, सॉल्व हो जाएगा आपको फिर भी, इसको x मान लेना, इसको 3x मान लेना, टी टू आपको 0 दिया हुआ है, ये टी आपको निकल आएगा ऐसे, है ना, ठीक है. उन्होंने v मान लिया है, v 3v, आप x 3x मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले को लगा के आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा. ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में है.
क्लास का टाइम काफी बचा है अभी, सारे करके बैठना, यानी कि आप बाद में उठ के बैठो, अभी करके उठना ठीक है।